हेलो हाय फ्रेंड, अगेन मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स की नेक्स्ट वीडियो को लेके आया। तो देखिए, सिंगुलरिटी चेक करते हैं। यहाँ पे हम ये चेक करना, मुझे कहाँ सिंगुलरिटी है। ये तो एनालिटिक फंक्शन है। अब यहाँ पे तो जेड को माइनस टू यानी कि साइन वन बाय जेड प्लस टू को जीरो की इक्वल रखेंगे तो वन बाय जेड प्लस टू कितना आएगा हमारे पास, एन पाई, यानी कि वन बाय एन पाई इज इक्वल टू जेड प्लस टू, यानी कि माइनस टू प्लस वन बाय एन पाई इज इक्वल टू जेड। लिमिट लगाई, एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का टू आएगा। यानी कि माइनस टू क्या है हमारे पास, लिमिट पॉइंट है। और ये जो माइनस टू लिमिट पॉइंट आया, ये किसके कारण आया, जीरोज के कारण। ये इसकी क्या है, जीरोज के का है। और हम जानते हैं जीरोज का जो लिमिट पॉइंट होता है वो हमारा आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है। यानी कि लिमिट पॉइंट क्या आया हमारा, माइनस टू आया है। तो हम क्या कहेंगे, माइनस टू इज ए आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। माइनस टू के ऊपर ये आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमें दे दिया गया एफ जेड इज इक्वल टू जेड माइनस टू जेड का स्केयर साइन वन बाय जेड प्लस टू, ये दे दिया गया जेड माइनस वन। ये है हमारे पास। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है, जीरो पुट करने से जेड इज इक्वल टू जीरो पुट करने से दो जीरो जाएंगी, यानी कि जेड इज इक्वल टू जीरो इज ए पोल ऑफ ऑर्डर टू। और यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये हमारे पास साइन वन बाय जेड माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से वन बाय जेड माइनस वन इज इक्वल टू एन पाई, यानी कि वन बाय एन पाई इज इक्वल टू जेड माइनस वन, वन प्लस वन बाई एन पाई इज इक्वल टू जेड। और जैसे ही लिमिट लगाएंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी तो आंसर आएगा वन। ये आ गया, यानी कि हमारे पास जो लिमिट पॉइंट आया है वन, ये किसका आया है, जीरोज का लिमिट पॉइंट है। इसलिए हम क्या कहेंगे, जेड इज इक्वल टू वन इज ए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एंड जेड इज इक्वल टू जीरो इज द पोल ऑफ द ऑर्डर टू। नेक्स्ट देखिए, एफ जेड दे दिया हमें जेड माइनस साइन जेड बाय जेड की क्यूब। अब साफ साफ दिखाई दे रहा है नीचे, ये जो है हमारे पास नीचे क्या बनेगा, जीरो है। क्या करते हैं इसको एक्सपेंशन से कर लेते हैं, एक्सपेंशन से करना हमारे लिए इजी होगा। करते हैं वन बाय जेड की क्यूब एज इट इज जेड, इसको करेंगे तो क्या आएगा, जेड माइनस जेड की क्यूब बाय थ्री का फैक्टोरियल प्लस जेड की पावर फाइव बाई फाइव का फैक्टोरियल। वन बाय जेड की क्यूब माइनस करेंगे तो ये कैंसिल, जेड की क्यूब बाय थ्री का फैक्टोरियल जेड की पावर फाइव बाई फाइव का फैक्टोरियल, कैंसिल करेंगे तो वन बाय थ्री का फैक्टोरियल जेड का स्केयर बाय फाइव का फैक्टोरियल। ये है। और जैसे ही हम क्या लगाएंगे, लिमिट जेड टेंस टू जीरो, तो आंसर जो आएगा वन बाय थ्री का फैक्टोरियल यानी कि वन बाय सिक्स आएगा। और नॉन जीरो फाइनाइट नंबर, हम ये जानते हैं जब लिमिट अप्लाई की जाए जेड टेंस टू जेड नॉट और आंसर नॉन जीरो फाइनाइट, आंसर अगर फाइनाइट आ जाए तो जो हमारे पास उस पॉइंट पे सिंगुलरिटी होती है वो रिमूवेबल होती है, यानी कि जेड इज इक्वल टू जीरो इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। ये हमारी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। नेक्स्ट देखिए, एफ जेड जेड माइनस फोर इंटू में साइन वन बाय जेड माइनस का फोर, ये दे दिया गया मुझे। चेक करना है मुझे फोर के ऊपर, देखिए चेक करते हैं
4 पे चेक करना, तो हम क्या करेंगे, साइन 1 बाय जेड माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से 1 बाय जेड माइनस 4 इज इक्वल टू एन पाई, 1 बाय एन पाई प्लस में 4 इज इक्वल टू जेड, ये आ गया हमारे पास। लिमिट लगाते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या आएगा 4, 4 क्या आ चुका हमारे पास, लिमिट पॉइंट आ गया। और 4 हमारे पास अगर इसका लिमिट पॉइंट है, किसके कारण आया है, ये जीरोज के कारण आया है, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 4 जो है हमारे पास क्या बनेगी, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बनेगी। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए एक स्टोरी की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए एक ए पर्सन है और इसका नाम जो है वो ए है। अब ये क्या है, बीमार हो जाता है, स्टार्टिंग में इसको क्या होता है, फीवर हो जाता है, फीवर, फिर ये केयर नहीं करता, ऐसे ही वर्क करता रहता है, और कुछ टाइम बाद इसको क्या है, मलेरिया हो जाता है। पहले फीवर था फिर मलेरिया हो जाता है, और फिर भी ये केयर नहीं करता तो इसको कैंसर हो जाती है। और जैसे ही डॉक्टर के पास जाता है ये, डॉक्टर इसको क्या कहता है कि जो है आप जो है कैंसर की लास्ट स्टेज पे हो। अब जैसे इस ए पर्सन को पता चलता है कि आप कैंसर है, दैट मीन्स अब ये क्या है, इसके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये कि ये मेडिकल में ही रहे, दूसरा ऑप्शन ये है कि इसको ये बोल दिया जाएगा भी जितना है आप अच्छे से रहो। दैट मीन्स ये क्या करता है, सपोज कीजिए ये जो है मेडिटेशन करता है, तपस्या वगैरह करता है, और कैसे ना कैसे जो है इसके सामने, सपोज कीजिए कि जो हमारे गॉड है ये इसके सामने आते हैं, प्रकट होते हैं, और ये कहते हैं ये बता तुझे एक इनमें से कौन सी बीमारी को ठीक करना है। यानी कि इसके सामने जब आएगा तो वो क्या करेगा, ये सबसे जो खतरनाक बीमारी इसको ठीक करने के बारे में कहेगा। यानी कि सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी है हमारे पास, कैंसर है। दैट मीन्स ये क्या कहेगा कि जो कैंसर की बीमारी है इसको ठीक कर दीजिए। यानी कि सपोज कीजिए, या कैंसर का मीनिंग जो मेरा है, मान लीजिए एक पॉइंट है उसके ऊपर पोल भी बनता है, आइसोलेटेड एसेंशियल भी बनती है और नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल भी बनती है। एक पॉइंट है उस पॉइंट के ऊपर ये तीनों है, यानी जेड को जेड नोट पुट करने लग रहा हूं तो वहां जेड नोट के ऊपर पोल भी है, आइसोलेटेड एसेंशियल भी है और नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल भी है, तो इनमें से जो खतरनाक है वो चीज बोलनी है। यानी कि खतरनाक कौन है इन तीनों में से, नॉन आइसोलेटेड बोलनी है, नॉन आइसोलेटेड सबसे खतरनाक है, फिर आइसोलेटेड और फिर पोल। यानी कि हम क्या कहेंगे, अगर ये तीनों चीज दिखाई दे जाए, पोल भी, आइसोलेटेड एसेंशियल भी और नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल भी, तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि उस पॉइंट के ऊपर नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल है। सिमिलरली अगर पोल और आइसोलेटेड एसेंशियल दिखाई दे जाए मुझे किसी पॉइंट पे, तो आंसर में क्या लिखेंगे, वो कौन सी सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है। जैसे देखिए, सपोज कीजिए मुझे ये दे दिया जाए साइन 1 बाय जेड माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कोस 1 बाय जेड माइनस 1, मुझे ये दे दिया जाए और मुझे ये बोल दिया जाए 1 के ऊपर चेक कीजिए, लिमिट जेड टेंस टू, किसके ऊपर चेक करना है मुझे, 1 के ऊपर चेक करना है कि 1 के ऊपर कौन सी सिंगुलरिटी आएगी। अब ऊपर वाला है, ऊपर वाले से तो यहां से तो ये जीरोज के कारण आएगी, दैट मीन्स ये तो देगा मुझे आइसोलेटेड एसेंशियल, और ये 1 के ऊपर क्या देगा हमारे पास, ये हमें देगा नॉन आइसोलेटेड। यानी कि 1 के ऊपर यहां दोनों सिंगुलरिटी है, आइसोलेटेड एसेंशियल भी और नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल है, बट बोलेंगे किसे हम, जो ज्यादा पावरफुल है। यानी कि क्या कहेंगे, जेड इज इक्वल टू 1 इज ए नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, 1 के ऊपर हमारी नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है। नेक्स्ट देखिए, हमें दे दिया जाए 1 बाय जेड की क्यूब 2 माइनस कोस जेड, ये दे दिया जाए,
और मुझे यहाँ सिंगुलरिटी चेक करनी है किस किस पॉइंट पे आएगी। तो सबसे पहले जेड की क्यूब को क्या लेंगे, जीरो, तो यानी जेड क्या आएगा, जीरो 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 थ्री टाइम, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू जीरो इज ए पोल। कितने ऑर्डर का, जीरो कितनी बार आई है, तीन बार आई है, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू जीरो इज द पोल ऑफ द ऑर्डर थ्री। यहाँ इसको टू माइनस कोस जेड को क्या लेंगे, जीरो, तो कोस जेड की वैल्यू क्या आएगी, टू। अब यहाँ से जेड निकालेंगे, बट हमें अच्छा ये मत कह देना कि सर कोस जेड की वैल्यू टू तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोस जेड तो माइनस वन और वन के बीच में होता है। तो मैं कहूंगा नहीं, कोस एक्स माइनस वन और वन के बीच में होता है, कोस जेड अनबाउंडेड होता है, इसकी कुछ भी वैल्यू आ सकती है। हाँ ये निकालेंगे नियम, क्योंकि ये पर्टिकुलर हमें ये नहीं पता कि किस पॉइंट पे आएगी, इसलिए हम क्या लिख देंगे, कोस जेड इज इक्वल टू टू इज ए सिंपल पोल। जो भी ये आएगी ये क्या बनेंगे, हमारे सिंपल पोल बनेंगे, वन टाइम आएगी। नेक्स्ट देखिए, जेड कोस पाई जेड बाय टू ए डिवाइड बाय जेड माइनस ए, जेड का स्केयर बी का स्केयर, साइन फाइव जेड। तो हम यहाँ पे जो चेक करने वाले हैं, ए जो है नॉट इक्वल टू एन पाई, ये गिवन है, और बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमें गिवन है। तो देखिए करते हैं सोल्व। सबसे पहले ए पे चेक करते हैं, ए पुट करने से पहले ए पे चेक करते हैं, लिमिट जेड टेंस टू ए, तो ऊपर पुट करेंगे ए से एक पाई बाई टू हो जाएगा, यानी कि ए के ऊपर जीरो बाई जीरो फॉर्म है, ए के ऊपर जीरो बाई जीरो फॉर्म है, यानी कि एक जीरो तो यहां है, एक जीरो जी यहां है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से जीरो कट जाएगी, यानी कि जेड इज इक्वल टू ए के ऊपर क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, वो सिंगुलरिटी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि एक ऊपर है एक नीचे है। अब चेक करते हैं, जेड का स्केयर प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू जीरो, तो जेड की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस बी आयोटा, यानी कि जेड इज इक्वल टू बी आयोटा, जेड इज इक्वल टू माइनस बी आयोटा आर द सिंपल पोल। इन पॉइंटों के ऊपर क्या बनेंगे, ये हमारे सिंपल पोल बनेंगे। अब चेक करते हैं जीरो के ऊपर, जेड को अगर जीरो पुट करते हैं, यहां देखिए साइन की पावर फाइव जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू एन पाई, वो भी कितने टाइम, फाइव टाइम, यानी कि जीरो प्लस माइनस पाई प्लस माइनस टू पाई, और कितने टाइम, फाइव टाइम, और वन टाइम तो यहां भी है जीरो, यानी कि जीरो इज ए पोल ऑफ द ऑर्डर फोर, चार ऑर्डर का है, और जो बाकी के बच गए हमारे पास कौन, प्लस माइनस एन पाई, वेयर एन नॉट इक्वल टू जीरो आर पोल ऑफ द ऑर्डर पांच, पांच ऑर्डर के पोल है। नेक्स्ट देखिए, हमें दे दिया जाए जेड माइनस ए की पावर 2018 इंटू में साइन वन बाय जेड की जेड माइनस 2019, ये दे दिया जाए, चेक करना मुझे सिंगुलरिटी। तो क्या है, जेड को जैसे ही मैं क्या पुट करूंगा, 2019 पुट करूंगा, तो साइन का एंगल इन्फिनिटी बनेगा, यानी कि साइन का एंगल कोस का एंगल या ई का एंगल इन्फिनिटी बन जाए, अगर वो जीरोज के कारण बनता तो आइसोलेटेड, और पोल के कारण बनता तो नॉन आइसोलेटेड, तो ये तो किसके कारण बनेगा, जीरोज के कारण, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 2019 इज द आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। देखिए नेक्स्ट, जेड का स्केयर साइन वन बाय जेड, ये दे दिया गया मुझे,
अब देखिए जैसे हम क्या करते हैं, जेड को जीरो, जेड को हमने लिया जीरो, तो यहां से तो पोल आ रहा है, और यहां से लेंगे तो साइन वन बाई जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी कि वन बाई जेड इज इक्वल टू एन पाई, यानी कि वन बाई एन पाई इज इक्वल टू जेड ये, और जैसे ही लिमिट लगाएंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी तो कितना आएगा जीरो, यानी कि अब की बार जो हमारे पास है जीरो जो है ये किसके कारण आई है, जीरो जो है लिमिट पॉइंट है किसका, पोल का, और पोल का लिमिट पॉइंट है जीरो, दैट मींस जीरो जो बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। यहां से अगर मैं देखूं तो ये तो कहता है दो ऑर्डर की जीरोज है और ये कहता है नॉन आइसोलेटेड है, तो पावरफुल कौन है, नॉन आइसोलेटेड, तो क्या कहेंगे, जेड इज इक्वल टू जीरो इज ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अच्छा इसके अलावा जो बच गए प्लस माइनस वन बाई पाई, प्लस माइनस थ्री टू पाई, ये सारे पाई, इन पे क्या देगा, ये सिंपल जीरो, सिंपल पोल। नेक्स्ट देखिए एफ जेड दे दिया मुझे साइन पाई जेड अपॉन में या जेड की पावर एट बाई में जेड माइनस वन की पावर एट, ये दे दिया, तो यहां तो जेड इज इक्वल टू वन पे क्या है, इज ए पोल, पोल है कितने ऑर्डर का, एट ऑर्डर का पोल है। आगे देखिए, आगे हम स्टडी करते हैं बिहेवियर, बिहेवियर ऑन सी पे ऑन इन्फिनिटिव पे, किसी एनालिटिक फंक्शन का सी पे और इन्फिनिटिव पे बिहेवियर कैसे पता लगाएं। देखिए जब कभी भी आपको ये चेक करना हो कोई भी फंक्शन इन्फिनिटिव के ऊपर क्या बिहेव देता है, तो आप क्या इन्फिनिटिव पे चेक करना हो तो आप जेड को रिप्लेस कर दो वन बाई जेड से, और वन बाई जेड का बिहेव चेक कर लो जीरो पे, वन बाई जेड का जो बिहेव जीरो पे रहेगा वही बिहेव जेड का इन्फिनिटिव पे रहेगा। तो देखिए करते हैं क्वेश्चन, जैसे मुझे दे दिया जाए फर्स्ट साइन जेड, साइन जेड को अगर मैं सी के ऊपर देखता हूं तो ये तो एनालिटिक है, दिस इज एनालिटिक, किसके ऊपर, कॉम्प्लेक्स प्लेन सी के ऊपर। अब इन्फिनिटिव पे चेक करना है तो यहां जेड को क्या पुट कर देंगे, साइन वन बाई जेड, और जैसे ही हम यहां जेड को जीरो पुट करेंगे तो साइन का एंगल इन्फिनिटिव आएगा, और साइन का एंगल इन्फिनिटिव जीरो के, ये क्या आएगी, जीरो जाएगी क्योंकि ये ऊपर है, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू जीरो क्या देगा मुझे, ये एक आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा। नेक्स्ट देखिए, अब मुझे दे दिया जाए साइन वन बाई जेड, वन बाई जेड है तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है जैसे ही मैं जेड को जीरो पुट करता हूं तो क्या देगा ये मुझे, सी के ऊपर इसका बिहेव क्या है, सी पे जेड इज इक्वल टू जीरो पुट करने पे ये आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा। अब किस पे चेक करना है मुझे, इन्फिनिटिव पे, तो क्या करेंगे जेड को रिप्लेस कर देंगे वन बाई जेड पे, यानी कि ये क्या बन जाएगा, साइन जेड बन जाएगा, और साइन जेड तो क्या होता है जीरो पे एनालिटिक, यानी कि साइन वन बाय जेड जो है सी के ऊपर तो जीरो के ऊपर क्या देता है ये आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, और इन्फिनिटिव पे क्या बनता है ये फंक्शन एनालिटिक। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट दे दिया जाए मुझे साइन जेड, ये दे दिया गया साइन जेड है तो यहां से तो क्या देगा ये पोल देगा, सी पे चेक करते हैं साइन जेड इज इक्वल टू जीरो, जेड इज इक्वल टू एन पाई आर, सिंपल पोल, ये सभी के सभी क्या बनेंगे हमारे सिंपल पोल बनेंगे एट सी, सी के ऊपर। अब चेक करते हैं इसका इन्फिनिटिव पे क्या बिहेव है, इन्फिनिटिव के लिए क्या है, जेड को रिप्लेस कर दो वन बाई जेड से ये होगा, और इसकी अगर हम चेक करें तो क्या है कहेंगे साइन वन बाई जेड इज इक्वल टू जीरो,
वन बाई जेड इज इक्वल टू एन पाई, वन बाई एन पाई इज इक्वल टू जेड। लिमिट पॉइंट निकालिए, एन टेंस टू जीरो तो कितना आएगा, जीरो। यानी कि हम क्या कहेंगे, जीरो तो क्या लिमिट पॉइंट आया है। लिमिट पॉइंट ये किसके कारण आया है, पोल के कारण आया है। दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू जीरो क्या होगी हमारी, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ये हमारे पास नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी किस पॉइंट के ऊपर, इन्फिनेटिव पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट देखिए, वन बाय साइन वन बाय जेड किस पॉइंट पे चेक करना है, एट जेड इज इक्वल टू सी पे, सी पॉइंट पे चेक करना है। सी पे चेक करना तो इसको क्या लेंगे, साइन वन बाई जेड इज इक्वल टू जीरो, वन बाई जेड इज इक्वल टू एन पाई, वन बाई एन पाई इज इक्वल टू जेड। यानी कि हमारे पास ये क्या आएगा, वन बाय प्लस माइनस पाई, टू पाई प्लस माइनस थ्री पाई और सिंपल पोल। ये सभी के सभी हमें क्या देंगे, सिंपल पोल देंगे। और बात बची जीरो की, क्योंकि जैसे ही लिमिट लगाएंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी जीरो पे क्या होगा, ये जीरो के ऊपर लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, लिमिट पॉइंट आएगा। और लिमिट पॉइंट किसके कारण आया, पोल के कारण। यानी कि जीरो पे क्या बिहेव रहेगा, जीरो पे इज ए नॉन आइसोलेटेड, जीरो पे ये देगा नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम चेक करते हैं साइन पाई जेड। साइन पाई जेड की चेक करें तो सी के ऊपर तो ये तो फंक्शन एनालिटिक है साइन पाई जेड। अब बात करते हैं इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे तो क्या करेंगे, जेड को रिप्लेस वन बाई जेड ये हो जाएगा। और ये चीज अगर जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो पाई बाई जेड इज इक्वल टू एन पाई, यानी कि वन बाई एन इज इक्वल टू जेड। और इसका जीरो पे चेक करना है तो क्या करेंगे, हम यहाँ लिमिट लगाएंगे एन टेंस टू इन्फिनिटी तो कितना आंसर आएगा, जीरो आएगा। यानी कि जीरो के ऊपर ये फंक्शन है हमें क्या देता है, इसका जो लिमिट पॉइंट है वो जीरो है। और ये जो जीरो आया ये किसके कारण आया है, जीरोज के कारण आया है। दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटिव का जो बिहेव है वो हमारे पास क्या देगा, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट देखिए, साइन पाई बाय जेड ये दे दिया गया, अगर सी पे वर्क करे तो हम क्या करेंगे, साइन पाई बाय जेड इज इक्वल टू जीरो। पाई जेड इज इक्वल टू एन पाई, वन बाय एन इज इक्वल टू जेड। और जैसे ही लिमिट लगाएंगे जेड टेंस टू इन्फिनिटी तो ये आएगा जीरो। यानी कि लिमिट पॉइंट किसके जीरो आया, किसके कारण आया, जीरो के कारण आया है ये। तो हमारे पास क्या कहेंगे, जेड इज इक्वल टू जीरो के ऊपर ये आइसोलेटेड एसेंशियल सिमिलरिटी है। अब चेक करते हैं इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे चेक करना तो जेड को रिप्लेस कर दीजिए वन बाई जेड से, वन बाई जेड से रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन पाई जेड बन जाएगा। और साइन पाई जेड इज ए एनालिटिक फंक्शन, ये तो हमारा एनालिटिक है। तो यानी कि ये फंक्शन इन्फिनिटी पे क्या करता है, एनालिटिक है। नेक्स्ट साइन पाई बाई जेड, साइन पाई बाई जेड दे दिया गया मुझे, तो देखिए चेक करते हैं साइन पाई बाई जेड को अगर हम जीरो लेंगे तो पाई बाई जेड इज इक्वल टू एन पाई, वन बाई एन इज इक्वल टू जेड। यानी कि प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री अप टू सुन इन पे तो क्या बनाएगा, ये सिंपल पोल। और जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे यहाँ तो जीरो आएगा। और ये जीरो जो आई है किसके कारण आई है, पोल के कारण आई है। दैट मीन्स जीरो का जो लिमिट पॉइंट होता है, सॉरी पोल का जो लिमिट पॉइंट होता है वो हमारे पास क्या देता है, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू
जीरो जो है हमें क्या देगा, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में दे दिया जाए साइन जेड माइनस ए, ये दे दिया गया एनालिटिक है ये। तो अब इसका किस पे चेक करना मुझे भी है, वन बाई जेड पे, तो क्या होगा साइन वन बाई जेड माइनस ए, किस इस पे चेक, इन्फिनिटी पे चेक करने का मतलब इसका भी किस पे चेक कर लेंगे, अब हम जीरो पे चेक कर लेंगे। जीरो पे चेक करना है तो जीरो के इक्वल पुट करते हैं, तो वन बाई जेड माइनस ए इज इक्वल टू एन पाई, तो यहाँ लेके आएंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको वहां ले जाते हैं, वन बाय एन पाई प्लस ए इज इक्वल टू जेड, ये हमारे पास जेड आ चुका। यानी कि हम ये कहेंगे वन बाय एन पाई प्लस ए जेड, और जैसे ही हम लिमिट लगाएंगे जेड टेंस एन टेंस टू इन्फिनिटी, आंसर आएगा जीरो आएगा। किसके कारण आया है, ये जीरो के कारण आया है, दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू, जो हमारे पास जीरो होगा, क्या जेड इज इक्वल टू जीरो, ये क्या देगा हमें, ये एक आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी देगा। तो सिमिलरली आपको चेक करना है जेड माइनस ए का, साइन जेड माइनस ए का, साइन वन बाय जेड माइनस ए का, साइन पाई बाय जेड माइनस ए का, साइन पाई इंटू जेड माइनस ए का। सिमिलरली ये जो क्वेश्चन मैंने साइन के लिए किया है, यही क्वेश्चन आपको कोस के लिए भी ट्राई करनी है। ई के लिए देखिए, ई की पावर जेड, अगर सी पे चेक करें तो ये एनालिटिक है, और इन्फिनिटी पे देखेंगे तो ई की पावर वन बाई जेड, और ई की पावर वन बाई जेड जीरो पे चेक करेंगे तो क्या बनाएगा, ये आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब लेके चलते ई की पावर वन बाई जेड, ई की पावर वन बाई जेड लेके चले तो जेड इज इक्वल टू जीरो पे ये क्या देगा, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, और जैसे ही हम जेड को रिप्लेस करेंगे वन बाई जेड से तो यह आएगा e की पावर z, यानी कि इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा ये एनालिटिक। नेक्स्ट 1 बाय e की पावर z लेके चलते हैं। अब ये देखिए e 1 क्या है, कांस्टेंट एनालिटिक है, e की पावर z भी क्या है, एनालिटिक है, और ये बाय वाला तो कभी जीरो होता ही नहीं, दैट मींस ये फंक्शन तो क्या है, एनालिटिक है एवरीवेयर, तो ये क्या कहेंगे, इट हैज नो जीरोज। अब किस पे चेक करना है इसका भी, इन्फिनिटी पे चेक करना है, इन्फिनिटी पे चेक करना तो क्या आएगा e की पावर 1 बाय z, अब ये 1 बाय z आएगा, अब यह चीज पोल तो देती नहीं, क्योंकि ये आंसर क्या नहीं होगा, जीरो कभी हो नहीं सकता, ये आंसर क्या नहीं होगा, कभी जीरो हो नहीं सकता, दैट मींस क्या कहेंगे, ये जो देगा हमें क्या देगा, आइसोलेटेड एसेंशियल देगा, ना कि नॉन आइसोलेटेड। सिमिलरली e की पावर 1 बाय z, ये भी क्या होगा, जीरो के ऊपर तो क्या देगा मुझे, आइसोलेटेड एसेंशियल, और इन्फिनिटी पे चेक करेंगे तो ये बनेगा वन बाय ई की पावर जेड, और इन्फिनिटी पे क्या देगा ये एनालिटिक। तो बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, नॉन आइसोलेटेड बोलते हैं, ये चीज पोल नहीं देती कभी भी, क्यों, क्योंकि ये बाय वाला कभी जीरो नहीं बनेगा, तो ये हमें पोल नहीं देगा, तो इसलिए ये जो चीज है हमारे पास ये नॉन आइसोलेटेड नहीं, ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी देता है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां है ये आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रेजिड्यू को निकालना सीखेंगे बाय डेफिनेशन। पहले तो हमने क्या किया था, रेजिड्यू को निकाला था किसका यूज करते हुए, एक्सपेंशन का यूज करते हुए, लोरेंट सीरीज का यूज करते हुए, अब विदाउट सीरीज का यूज किए हम फॉर्मूले से निकालना सीखेंगे और इंटेग्रल फॉर्मूले को निकालना सीखेंगे। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।